हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं करेला। करेले को अच्छे से वॉश करके हमने इसको बारीक पीसेस में कट कर लिया हुआ है। इसका छिलका बहुत ही कम हल्का हल्का सा उतारा है हमने। वैसे नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बनाते हैं इसे। हम करेला हमने आधा केजी लिया, तो उस हिसाब से हम 2 चम्मच करीब सरसों का तेल डालेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन भी हमने काटा हुआ है, उसको भी हम इसमें डाल के पकाएंगे। देखिए, प्याज को हमें बस इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम करेले को ऐड कर देंगे और हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे करेला सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम बाकी के मसाले में डाल के उसको भूनेंगे। जब तक हमारे करेले पक रहे हैं मीडियम फ्लेम में, तब तक हमने मसाले निकाल लिए हुए हैं। ये करेले के लिए स्पेशली मसाला जो घर पे बनाया हूँ पिसा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बता दूँगी। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या हमने पिसा हुआ है। ये थोड़ा सा 1/2 चम्मच अदरक, ज़रा सा हींग, ये 2 चम्मच खटाई पिसी हुई, और ये रेड चिली पाउडर जो कि घर का पिसा हुआ है, तो इस तरह का कलर आ रहा है। घर पे हरी मिर्च को सुखा के मैंने उसको पिसा हुआ है। तो जब हमारे करेले पक के तैयार हो जाएंगे तब ये मसाला डाल के उन्हें हमें अच्छे से भूनना है। तो देखिए, अब हमारे करेले पक गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और हमने ये जो मसाले निकाले हुए थे ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम में इसको इस तरह से अच्छे से इसको भून लेंगे। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाले इसमें करेले में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखते हैं, तो देखते हैं कि थोड़ा सा जो ऑयल ऊपर आ गया है, हल्का हल्का से सेपरेट हो रहा है मसाले से करेले से। और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा ग्रीन तेज करके अच्छे से इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखना ये जले नहीं, बस अच्छे से इनको फ्राई करना है। उसके बाद इन्हें हम सर्व करेंगे, ऐसे चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं पाए नीचे जो मसाले डाले हैं। क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने करेले बनाए हुए हैं, इंस्टेंट आप लोग बनाते हैं इसको, खा सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसके बेनिफिट्स तो आप लोग सब जानते हैं कितने सारे हैं। कि हमारे करेले पक्के तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें किसी भी बेसन की रोटी या मक्के की रोटी या फिर नॉर्मल गेहूं की रोटी के साथ सर्व करिए। थैंक यू सो मच।